उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने बर्खास्त कर्मचारियों के जो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को वापस ले नहीं तो वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है जो कि असंवैधानिक भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने हरिद्वार में बनने जा रही हर की पैड़ी कॉरिडोर को भी गलत ठहराया है और कहा है कि देवभूमि का स्वरूप बना रहना चाहिए। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। ये हमारी संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको ले नहीं गए हैं पूरी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटिशन बनाएंगे।